फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर जैन, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। तो हमारा जो फ्रेंड बैठे हुए मेरे सामने, इनका ग्रेड 2 गायनेकोमास्टिया है। आपका एज कितना है? 21 एज है और स्टूडेंट है। तो वो और उनका मम्मी आई है साथ में। तो हम लोग उनके साथ कुछ डिस्कशन करेंगे गायनेकोमास्टिया सर्जरी के बारे में। आपको एक क्वेश्चन था कि सर ये दवाई से ठीक होगा कि नहीं? हाँ, पहले क्वेश्चन तो ये था कि ये दवा से ठीक नहीं हो सकती है। अच्छा, पहले बता, तो देखिए मैं पहले भी बोला कि इट इज नॉट ए डिजीज, ये कोई बीमारी नहीं है। तो अगर बुखार हुआ तो बुखार की दवाई है, है ना। अगर किसी का हाथ टूट गया तो उसके प्लास्टर कर देते हम लोग, दवाई देते हैं। किसी का टाइफाइड हुआ तो टाइफाइड की दवाई देते। ये ऐसा बीमारी है नहीं, तो इसके लिए दवाई भी नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि सर्जरी को अवॉइड करना। हम लोग यूजुअली साधारण लोग चाहते हैं कि सर्जरी काटा पीटा होगा, टाका लगेगा, सुन करके करेंगे, पता नहीं कैसे क्या हो जाएगा। तो हम लोग को सभी को एक इच्छा रहता है कि ये लोकल एनेस्थेसिया में हो जाए। तो ये हम लोग का सबका मन रहता है कि अगर दवाई से ठीक हो जाएगा तो बिल्कुल सर्जरी करना है। तो ये सर्जरी से एक्चुअली बीमारी जो है, इसमें चर्बी जम गया है और गांठ बन गया है अंदर। तो ये जो बीमारी है ये दवाई से ठीक नहीं होता है। काफी लोग एक्सरसाइज भी कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज करने से, जिम वगैरह करते हैं, जिम करने से पेट का चर्बी निकल जाते हैं और दूसरा कहीं का चर्बी निकल जाता है, लेकिन ब्रेस्ट वाला जो टिश्यू है वो कमता नहीं है। क्योंकि ब्रेस्ट में देखिए सिर्फ चर्बी नहीं है, उसमें चर्बी भी है, ग्लैंड भी है। तो चर्बी थोड़ा बहुत कमता है और जो चर्बी भी रेजिस्टेंट टाइप का फैट होता है, ब्रेस्ट का फैट। तो यूजुअली जिम में ये ठीक नहीं होता है। तो आपको अल्टीमेटली सर्जरी करना ही सबसे इजी डिसीजन है और उसमें रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है, तुरंत मिल जाते हैं। ये बात है। काफी सारे लोग होम्योपैथी दवाई काफी महीने से कोशिश बोल लेते हैं, लेकिन उसमें भी ठीक नहीं होता है। और खास करके जिन लोगों का ग्रेड 2 ग्रेड 3 जैसा आपका बड़ा हो गया है, ये तो आपको सर्जरी करना पड़ेगा। सर्जरी में आपको सटीक चिकित्सा थोड़ा बहुत बढ़ जाते हैं यूजुअली टाइम के साथ साथ थोड़ा बहुत। एक्चुअली कहना लूजनेस स्किन का, जो अभी आपका एज 21 साल है, जब 30 साल होगा स्किन थोड़ा सा लूज हो जाएगा। जैसे हम लोग नया नया अंडरवेयर बनियन पहना तो यूजुअली टाइट लगता है, जब जब टाइम जाता है वो थोड़ा सा ढीला हो जाता है, तो स्किन भी हमारा लूज हो जाते हैं, तो नीचे सैग करना शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए आपके वजन 65 है, 70 है, 5 साल में और थोड़ा सा एज में यूजुअली हम लोग सभी का वजन थोड़ा सा बढ़ता है, उसका भी साइज में बढ़ता है, लेकिन स्लोली बढ़ते हैं। बहुत मतलब ऐसा नहीं कि रैपिडली बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे यूजुअली बढ़ता है। तो हमारा फ्रेंड इधर आए थे उनका मम्मी के साथ, ही इज वेरी यंग गाय, 21 ईयर्स ऑफ एज और उनका ग्रेड 2 गायनेकोमास्टिया है। तो हम लोग का प्लान है लाइपोसक्शन करना और ग्लैंड निकालना। और मैं रेगुलरली गायनेकोमास्टिया सर्जरी करता हूँ बेन क्लिनिक कोलकाता में। गायनेकोमास्टिया सर्जिकल वीडियो, रिजल्ट का वीडियो, प्रेशर गारमेंट, प्रेशर बेल्ट, पेशेंट का एक्सपीरियंस, ये सब लेके वीडियो है। अगर आप हम लोगों का वीडियो देखेंगे यूट्यूब में, आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और अगर हमसे संपर्क करना है तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इधर आपका छाती का फोटो भेज दो, मैं फोटो देख के कौन सा ग्रेड है, कितना खर्चा होगा, क्या क्या करना पड़ेगा, सारी डिटेल्स बता दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।